हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और मेक इन इंडिया पर जोर देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भारत सरकार चला रही है और उसी के तहत उसने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। इन्हीं रेलवे के प्रोजेक्ट्स में से एक रेलवे का प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा और भारत का मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। तो आज हम जानेंगे क्या होते हैं ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, भारत में इन्हें कौन से रूट पर बनाया जाएगा, उनके बनने से हमें क्या फायदा मिलेगा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है कि ऐसी रेलवे की लाइंस की जहां पर सिर्फ मालगाड़ियों को ही चलाया जाता है। पर भारत को ऐसे लाइंस की जरूरत ही क्यों है, तो पहले उस बारे में जान लेते हैं। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो भारत में फ्रेट मूवमेंट का एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आर का है। यह वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बहुत ही कम है। उसके अलावा अगर रेलवे के माल ढोने की क्षमता की हम लोग बात करें तो एक वैगन सिर्फ 22.9 मेट्रिक टन ही ढो पाती है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा माल की आवाजाही नहीं कर पाते। उसके अलावा एवरेज स्पीड कम होने की वजह से ज्यादातर बिजनेस ओनर्स रेल ट्रांसपोर्ट की बजाय रोड ट्रांसपोर्ट पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। इसके वजह से रोड पर भी ज्यादा लोड आ जाता है। और अभी की बात करें तो भारत की सभी मालगाड़ियां अभी पैसेंजर ट्रेन के साथ दौड़ती है, जिसके वजह से पैसेंजर ट्रेन के आवागमन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2006 में ही कर दी थी। इसके निर्माण के पीछे तीन प्रमुख कारण थे। सबसे पहला, बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को पूरा करने के लिए कोयले की आवाजाही ज्यादा से ज्यादा तेजी से की जाए। दूसरा, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगने वाला सीमेंट, स्टील और बड़ी मशीनरीज को ज्यादा से ज्यादा तेजी से लाया ले जाया जा सके। और तीसरा, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में बनने वाले मेड इन इंडिया सामान को जल्द से जल्द शिपिंग पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट के कुछ फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा यही है, अभी जो मालगाड़ियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पा रही है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल पाएंगी और इन रूट पर दौड़ने वाली गाड़ियों की लंबाई 1.5 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकेगी, जिसकी चौड़ाई 3.6 मीटर और हाइट 7.1 मीटर की होगी, जो दुनिया में सबसे अधिक होगी। उसी के साथ हम डबल स्टैक स्टैंडर्ड शेप कंटेनर्स के साथ भी ट्रेन को चला पाएंगे, जिसकी वजह से हम एक बार में 15,000 टन का माल ढो सकते हैं। उसी के साथ कंटेनर कैरिंग कैपेसिटी 400 तक बढ़ाई जा सकेगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में ब्रिज और ट्रैक के निर्माण कुछ इस तरीके से किए गए हैं कि वह 32.5 टन एक्सल लोड को सपोर्ट कर पाए। पर इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए हमें बड़े हैवी ड्यूटी इंजन की भी जरूरत होगी। उसी के लिए भारत ने 800 इलेक्ट्रिक इंजन बनाना शुरू कर दिए हैं, जिनकी कैपेसिटी 12,000 हॉर्स पावर की होगी। और अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी गाड़ियों को चलाया जा सकेगा। उसके अलावा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए यहाँ रेडियो कम्युनिकेशन और GSM बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे आखिरी पर हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नॉर्मल रेल लाइंस पर से मालगाड़ियों की आवाजाही कम होने से पैसेंजर ट्रेन ज्यादा से ज्यादा चलाई जाएंगी। अब जानते हैं कौन से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत में बनाए जाने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला फ्रेट कॉरिडोर है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 1839 किलोमीटर की होने वाली है, जो लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के दनकुनी तक जाने वाला है। दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर की होने वाली है, जो उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। अगर पहले दोनों कॉरिडोर्स के स्टेटस की बात की जाए तो दोनों भी अभी छोटे छोटे सेक्शंस में कार्यरत है, पर दोनों को दिसंबर 2021 तक पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। तीसरा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, जिसकी कुल लंबाई 2000 किलोमीटर की होने वाली है, जो वेस्ट बंगाल के कोलकाता से शुरू होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाने वाला है। चौथा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, जिसकी कुल लंबाई 2173 किलोमीटर की होने वाली है, जो दिल्ली से शुरू होकर चेन्नई तक जाने वाला है। पांचवा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, जिसकी कुल लंबाई 1100 किलोमीटर की होने वाली है, जो खड़गपुर से शुरू होकर विजयवाड़ा तक जाने वाला है।
अगर तीसरे, चौथे और पांचवें डेडिकेटेड कॉरिडोर के स्टेटस की बात की जाए तो इन्हें 2016 साल के बजट में ही मंजूरी मिल गई थी और जल्द ही इन पर भी काम शुरू होने वाला है। छठा साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, जिसकी कुल लंबाई 890 किलोमीटर की होगी, जो चेन्नई से शुरू होकर बैंगलोर और मैंगलोर होते हुए गोवा तक जाने वाला है और यह कॉरिडोर अभी प्लानिंग स्टेज में है। अगर आपको लगता है कि हमें हर एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में डिटेल वीडियो बनाना चाहिए तो यह हमें कमेंट करके बताना ना भूले। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इन फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण के बारे में, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।